गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक कलरव से पाठ 11 पहेलियां लेकर आए हैं। पहेलियां आप जानते हैं, यह एक प्रकार के सवाल होते हैं जो कि कविता के रूप में होते हैं, और इसमें हम आपसे पहेलियां पूछेंगे भी और आपको इनका उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताना है। आइए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहली पहेली है, आंखें दोहों चाहें चार, मेरे बिना कोट बेकार, घुसा आंख में मेरे धागा, दर्जी के घर से मैं भागा। सोचिए बच्चों, क्या हो सकता है इसका उत्तर? आइए देखते हैं क्या है इसका उत्तर। बटन। देखिए बटन, आप सभी ने देखा है ना, बटन में दो छेद भी होते हैं और चार छेद भी होते हैं। आइए अगली पहेली देखते हैं। टिक 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 चलती जाऊं, सबको ही मैं समय बताऊं, काम समय से जो कर पाए वो ही मेरा नाम बताए। तो बताओ बच्चों, क्या है ये? घड़ी। घड़ी तो सभी ने देखी है ना, समय बताती है। आइए अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। नीचे पटको ऊपर जाऊं, ऊपर से फिर नीचे आऊं, आऊं जाऊं, जितना चाहो खेल खिलाऊं। क्या होती है वह चीज? फुटबॉल। फुटबॉल से खेलते हो आप लोग। आइए अगली पहेली देखें। पंख हैं लेकिन चिड़िया नहीं, चलता है लेकिन बढ़ता नहीं, गर्मी भगाना इसका काम, झट बतलाओ क्या है नाम। बतलाओ सभी। पंखा। पंखा सभी के घरों में उपयोग होता है। पंखे किस लिए काम आता है? हवा देने के काम आता है। आइए अगली पहेली देखते हैं। लाल पूंछ हरी बिलाई, इसका बनता हलवा भाई। बताओ बच्चों, क्या चीज है ये? गाजर। गाजर का हलवा किस किस ने खाया है? अच्छा, कैसा लगता है गाजर का हलवा? बहुत अच्छा लगता है। आगे देखिए। पैरों में जंजीर लगी है, फिर भी दौड़ लगाए, पगडंडी पर चले झूम के, गांव गांव पहुंचाए। बताइए क्या चीज है वह? अच्छा, देखते हैं इसका क्या है उत्तर। साइकिल। साइकिल के पैरों में जंजीर होती है ना, चैन बोलते हैं उसे। और साइकिल के कितने पहिए होते हैं बताइए? दो। आइए अगली पहेली देखते हैं। एक लाठी की सुनो कहानी, इसमें छिपा है मीठा पानी। बताओ मीठे पानी वाली लाठी कौन सी होती है? अच्छा देखिए, ये है ईख, गन्ना। और गन्ना, ईख तो सभी ने खाई होगी, कितना मीठा लगता है गन्ना। अच्छा ये बताइए, गन्ने से और क्या बनता है? चीनी, गुड़। गन्ने से चीनी और गुड़ बनता है। और गन्ने का रस किस किस ने पिया है? आज की ये पहेली यहीं ख़त्म होती हैं। अपने दोस्तों से और अपने परिवार में ये पहेली आप पूछिएगा, देखिए कौन कौन बता पाता है। अच्छा, थैंक यू बच्चों।